रस यानी वेदों में विज्ञान। वेदों में चार प्रकार के विषय हैं, विज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान। तो प्राय हम लोग लेते हैं कि ज्ञान कांड का वर्णन मुख्य रूप से ऋग्वेद में है, कर्म कांड का यजुर्वेद में, उपासना कांड का सामवेद में और विज्ञान कांड का अथर्ववेद में। विज्ञान कांड इन सब में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऋषि जनक के अनुसार परमेश्वर से लेकर त्रिन पर्यंत विश्व के सब पदार्थों का ज्ञान समाविष्ट है विज्ञान कांड के अंदर। लेटेस्ट कमेंट्री डन बाय द स्वामी दयानंद वेदास वाज फोकस्ड मेनली ऑन साइंस टॉपिक। व्हाई स्वामी दयानंद टॉकर फोकस्ड ऑन दिस टॉपिक? बिकॉज प्रेयर टू स्वामी दयानंद द मेन फोकस ऑफ वेदास वाज लाइक कर्म कांड की पुस्तक। मीन्स यज्ञ कैसे किया जाए, हवन कैसे किया जाए, यहीं तक ही हम लोग सीमित थे। स्वामी दयानंद का सबसे पहला जो स्टेप था दैट ही फर्स्ट प्रूव्ड दैट वेदास इज नॉट द मेयर कर्म कांड बुक। ही फर्स्ट सेड दैट वेदास इज अ बुक ऑफ साइंस। सो नाउ आई विल स्टार्ट विद माय मेन टॉपिक टुडे फॉर एग्जांपल्स ऑफ साइंस इन वेदास। आई एम अ मेडिकल प्रोफेशनल सो आई विल टॉक ऑफ इन मेडिकल टर्म्स। So there is a sukt in Atharveda, it's having 33 mantras, and in all these mantras, Vedas speaks about anatomy, starting from the brain to the legs, in a question answer format. Like I've given only two mantras in this. The mantra says that how the God has made the heels of human, the flesh of human, and how he has fixed his ankles. Who made the opening and well-mounted fingers? Who gave them foot soles at a central station? So we will focus only on this first mantra. He is asking that it's a question for a person who thinks that how the parts are formed. And this is the next thing. And now the next question comes, you should know how our body parts function. That is physiology. You should know how our body parts are made of. That is biochemistry. This biochemical reactions that are going in the body. So one mantra that explains not even anatomy. Its function comes in physiology. Its composition or the daily metabolic changes which are happening in the body, they come in biochemistry. So one mantra, if you open this, we are straightforward dealing with from body parts, from brain to the under. Yehi baat बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही गई है, जिसमें लिखा है कि who stored in him floods, turned in all direction, moving diverse and formed to flow in rivers, hasty red, copper hued and purple, running always in purusha upward and downward. अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो लाल रंग के बन जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो तांबे के बन गए। It's a very clear indication how the blood circulates in your body. And Vedas mentioned it's long back before 15th century. Now, as I am a child specialist, we live with the babies with the jaundice. जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सबको प्राय 60-70% बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है, जिसमें से 8-10 बच्चों को 8-10% को हमें नर्सरी में एडमिट करके फोटोथेरेपी देनी पड़ती है। So what is the principle of phototherapy is that we give a certain wavelength of light which causes degradation of bilirubin in the body leading to decrease in the jaundice. यानी जो पीलिया हो जाता है, अगर हम एक लाइट उसमें देखते हैं तो जो शरीर में जो पीलिया है जिसे हम बिलिरुबिन लेवल कहते हैं वो कम हो जाता है। अब वो प्रिंसिपल जो था, हमें वेद के अंदर एक बड़ा अच्छा मंत्र मिला जो कि अथर्ववेद में मेंशन है कि सूर्य की किरणों के सेवन से हृदय के रोग और उनसे जन्य हृदय की पीड़ा भी शांत हो जाती है, तथा सूर्य की लाल किरणों के सेवन से पीले रोग भी दूर हो जाते हैं। अब इसमें पहला पार्ट है वो भी हमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि सूर्य की किरणों के सेवन से हृदय के रोग, अब सूरज कब निकलेगा जिसमें लाल रंग की रोशनी, सूरज की जो सूर्य की लालिमा होती है वो सूर्य के टाइम में अर्ली मॉर्निंग होती है, और अर्ली मॉर्निंग में ही आपके जो ऑक्सीजन है, कंसंट्रेशन है नेचर में, वो सबसे अच्छी होती है। तो लाल रंग का जब सूरज निकलता है उस
समय की जो वायु है वो हृदय के रोगी में हार्ट पेशेंट में, अब हार्ट पेशेंट में क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट लो हो जाता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लो हो जाती है। जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी के पेरिफेरीज पे कम जाती है तो किसी व्यक्ति को फैटिगनेस के सिम्टम्स आते हैं। तो आपके सुबह के टाइम में कोई भी व्यक्ति अगर सुबह उठ के सैर करता है तो उसकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है तो ब्लड के अंदर जो उसके ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है तो उसके सिम्टम्स जो हैं जो डीकंजेशन हो जाते हैं उसके सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। तो ये वेरी सिंपल कंसेप्ट था कि सुबह हृदय रोगी को सुबह उठना चाहिए, बिल्कुल सिंपल बात है। आज हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो आपको एक ही बात कहता है कि रात को देर से सोओगे सुबह देर से उठोगे तो आपकी बॉडी का BMI जो है वो बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए वो भी लाइफस्टाइल चेंजेस ही प्रमोट कर रहे हैं और यही बात है पॉटी फॉर्म में वेद ने कह दी कि लाल रंग की रोशनी जब होती है सूरज की तब व्यक्ति को ऐसे कर रहे हैं कि रोग की पीड़ा कम हो जाए। अब स्टेबलाइजेशन या ऑटोक्लेव हम लोग मेडिकल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हर बॉडी से पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो अथर्वेद में एक मंत्र बिल्कुल स्पष्ट आया कि सनरेज से स्टेबलाइजेशन हो जाती है। Uprising, let the sun destroy and when he sinks with his beams, the most deadly within the cow. Means, इसमें cow शब्द से दाई शब्द मत लीजिए, cow का एक शब्द जननी भी होता है, एक जगत भी होता है, यानी जगत के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं वे डूबे हुए और शाम के समय में सनसेट के टाइम के सूरज से वे डिस्ट्रॉय होते हैं। इस मंत्र का मतलब ये है। अब मेन उसमें सन की जो रेज का जो कंसेप्ट दिया है कि उसमें जो एनर्जी होती है वो ही आपके उसको डिस्ट्रॉय करती है। अब मेडिकल फील्ड में हम एनर्जी का ही पार्ट है जिसको कि स्टेबलाइजेशन प्रोसेस में यूज करते हैं, जैसे कि हम अपने ऑपरेशन थिएटर्स को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, इन सबको ऑटोक्लेव करते हैं। तो कंसेप्ट वही है, उसको समझाने का तरीका वही है कि सूर्य एक प्रकाश का स्रोत है, एक एनर्जी का स्रोत है, उससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करेंगे। अब इसको हम अपने साइंटिफिक रूम में आज यूज करते हैं तो हम इसको साइंस कह रहे हैं। पॉलिट फॉर्म में ये हमारे पास पहले से ही मौजूद है। अब प्रेगनेंसी एंड इंस्टीट्यूशन डिलीवरी एक बहुत मैटरनल कंसेप्ट है। आज जितने भी डिलीवरीज होती हैं हम लोग पहले सुनते थे कि घरों में हो जाती थी, आज हम प्रमोट करते हैं कि वो सारे की सारे डिलीवरीज हॉस्पिटल में हो। अब आपको सबसे अमेजिंग लगेगा कि वेद के अंदर मंत्र ही है एक पूरा कि घर के पूरे दिनों में गर्भिणी की शारीरिक और मानसिक अवस्था का विशेष ध्यान रखें, माता के प्रसन्न और सुखी होने से बालक भी प्रसन्न और सुखी होता है। एंड लास्ट टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, प्रसूति का ग्रह को पहले से ही देश काल और विचार कर रखे। नाउ इफ वी एनालाइज दिस थ्री टाइम्स अवर गायनेकोलॉजिस्ट विल डेफिनेटली से दैट वेदर आर कंप्लीटली स्पीकिंग अबाउट केयर इन प्रेगनेंसी। इफ अगर कोई माँ है और वो प्रेग्नेंट है तो अगर उनको कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी सिस्टम की बीमारी होगी, किसी भी तरह की, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो डाइटरी प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो बच्चे का बर्थ वेट कम हो जाएगा। ये बिल्कुल नॉन फैक्ट है, इसमें हजारों रिसर्च स्टडीज आती हैं कि मैटरनल हेल्थ, मैटरनल डाइट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द बर्थ वेट ऑफ द बेबी, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर मदर वेस्टर्न में मदर स्मोक करती है, वेस्टर्न में मदर एल्कोहल पीती हैं तो उसका बच्चे का बिल्कुल साफ इफेक्ट आता है। ड्रग्स लेती हैं, कोकेन वगैरह लेती हैं तो उनके बच्चों को बर्थ वेट कम होता है। इंडिया में जो पुअर क्लास है उनमें मदर जो होती है वो प्रॉपर डाइट नहीं लेती तो उनके बच्चों का बर्थ वेट कम होता है, उनका बच्चों को एडमिट भी करना पड़ जाता है। और दूसरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात जो थी, हमारे यहाँ सुन रहे थे कि गालियाँ आती हैं घरों में बच्चे पैदा करते हैं जबकि ये तो कहते हैं कि आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अब इंस्टीट्यूशन डिलीवरी को क्यों प्रमोट किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि उन्होंने पाया कि जो डिलीवरी को आपकी हॉस्पिटल में होती है उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम है एज कम्पेयर टू जो डिलीवरी बच्चों के घरों में होती है उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। हम इसको साइंस मान रहे हैं, इस पर स्टडीज करने के बाद हम इस कंसेप्ट तक पहुंचे कि डिलीवरी शुड बी इन द हॉस्पिटल नॉट इन होम्स, जबकि वेद का मतलब तो हमें साफ ही कह रहे हैं। ये एक मैसेज जो है इनको हम समझते हैं तो हम वेदों में विज्ञान के विषय में पहुंचे। इसको अथर्ववेद ने बड़े अच्छे रूप में कहा है कि शुद्ध वायु अर्थात प्राणायाम द्वारा शरीर के हृदय में वायु का प्रवेश होना व दूषित वायु का बाहर निकलने से रोग आदि का नाश होता है।
तो ये जो एयर क्वालिटी कंट्रोल के हमारे हॉस्पिटल्स में बात करते हैं, कोई भी हॉस्पिटल की जो डिजाइनिंग की जाती है तो उसके अंदर आईसीयूज में या ओटी में एक बात का ध्यान रखा जाता है कि हाउ द एयर फ्लो सर्कुलेशन विल बी देयर, कि आपके जो एयर एक तरफ से अंदर आ रही है वो दूसरी तरफ से बाहर निकले, ऐसी व्यवस्था ओटीज में की जाती है जिससे कि इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड ना हो। और यही बात हमारे घरों में भी लागू होती है। अब लोग इसको वास्तु के नाम से कहने लगे कि पूर्व दिशा के अंदर फेस होना चाहिए, विंडो यहाँ पे होनी चाहिए, टॉयलेट इस इतनी दूरी पर होना चाहिए। मेन कंसेप्ट तो वास्तु के पीछे यही था कि आपकी एयर सर्कुलेशन और स्पेस जो है वो ढंग से मेंटेन हो जिससे कि घर के अंदर बीमारी ना। अब लोग उसको सुपरस्टिशंस में ले जाते हैं कि वास्तु विल ब्रिंग लक टू यू। अब व्यक्ति हेल्दी रहेगा तो वो लकी रहेगा ना। अब जो व्यक्ति बीमार है वो अनलकी है। और प्राणायाम के बारे में बिल्कुल सिंपल है कि अगर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन, अगर सुबह उठ के हम प्राणायाम करेंगे जिससे हमें वायु का कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है तो हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं जिन उनको ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचेगी तो न्यूरोन्स की जो हीलिंग एंड ग्रोथ दोनों चीजें हमारी ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर न्यूरॉन्स की माइलिन शीथ होती है, न्यूरॉन्स जो दिमाग में हमारे नसें हैं उनके सबसे छोटे पार्ट को न्यूरॉन्स कहते हैं, उनकी ग्रोथ ही हमारे दिमाग को डिफाइन करती है। उनकी ग्रोथ अगर अच्छे से हो रही है तो हमारा दिमाग तेज चलता है, और जितनी हमारे दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है उतनी हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, उतनी हमारी बुद्धि स्थिर रहती है। तो वो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसी वेद मंत्र को मैंने चार तरीके से अप्लाई करके आपको बताया कि कहां कहां एक ही वेद मंत्र को हम अप्लाई कर सकते हैं।